चलो मेरे शिष्यों, थोड़ा स्नान करते हैं, फिर विश्राम करेंगे। रुकिए गुरुदेव, गुरुदेव अगर हमने अपने वस्त्र उतार दिए तो हमारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी शक्ति इन वस्त्रों में ही है। नहीं नहीं शिष्य, चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइटन हमसे बहुत पीछे है, वो नहीं आ पाएगा। चलो चलो चलते हैं, सब स्नान करने चलते हैं, सभी चलो। हाँ आ जाओ मेरे पीछे, कितना ठंडा जल है देखो। गुरुदेव ये तो बहुत ही शीतल जल है। आनंद आ गया गुरुदेव, शीतल जल में नहा के आनंद आ गया। हाँ शिष्य सही बोले, इतना ठंडा जल मैंने कहीं नहीं देखा। आखिर टाइटन से 7 दिन से बच के भाग रहे हैं गुरुदेव। अरे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टाइटन, वो ठहरा एक जंगली जानवर, हम ठहरे साधु महात्मा। सही बोले। आखिरकार तुम लोग मिल ही गए। गुरुदेव गुरुदेव, अरे ये क्या, ये टाइटन यहाँ आ गया। चलो एक एक करके बाहर आओ, आखिर कितना भगाओगे अपने पीछे। टाइटन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम हमें जानते नहीं। गुरुदेव हमारे बस से तो उधर ही है, हमें शक्ति नहीं है। चुप रहो तुम लोग, जल्दी आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। चलो चलो गुरुदेव। हाँ टाइटन हमें छोड़ दो, टाइटन हमारी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, तुम लोगों का ही सब किया धरा है, वो कोबरा चला गया मुझे छोड़ के। हाँ टाइटन अगर तुम हमें छोड़ोगे तो हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं टाइटन। यही तो मैं चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे उनसे बदला लेना है। हाँ टाइटन हम करेंगे टाइटन, मगर तुम किसी मेरे शिष्य को नहीं मारोगे टाइटन। ठीक है मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन इसको जरूर मारूंगा। नहीं टाइटन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारी मदद करेंगे टाइटन, मदद करेंगे हम। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसका बदला तुमसे मैं लेके रहूंगा। ये लो पहले मेरा नमूना देखो। गुरुदेव नहीं टाइटन, मत मारो टाइटन, मत मारो मेरे शिष्य को, मैं तुम्हारी मदद करूंगा टाइटन, छोड़ दो। अगर धोखा देने की कोशिश की तो ऐसे ही सबको मार दूंगा। हाँ हाँ टाइटन हमें पता है तुम कुछ भी कर सकते हो, हम एक यज्ञ करने वाले हैं टाइटन, जिससे तुम जा सकते हो यहाँ से। क्या यज्ञ, ये क्या है। बस तुम हमारे सामने बैठ जाना टाइटन, जैसा हम बोले ऐसे बोलते रहना। ठीक है। हा। गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, अगर वो हमने यज्ञ किया तो इसको वो शक्ति मिल जाएगी जिससे ये पूरी धरती पे कब्जा कर लेगा। गुरुदेव शिष्य अगर मैं इसे शक्ति ना दूं तो ये हमें मार देगा। गुरुदेव हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन शक्ति मत दो गुरुदेव। नहीं शिष्य नहीं, हम मर नहीं सकते क्योंकि ये हम अमर हैं। चुप रहो तुम लोग और जल्दी से मुझे वो शक्ति दो। हाँ टाइटन बस बैठे रहो। ओम भट्ट गरिना स्वाहा। ओम भट्ट गरिना स्वाहा। ओम भट्ट गरिना स्वाहा। ये क्या है, ये क्या है, ये तुम मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही। नहीं नहीं टाइटन ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र। तुम इस शक्ति के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, नहीं तो शक्ति काम नहीं आएगी। हाँ ठीक है, लगता है आज मैं अमर हो जाऊंगा। जाओ टाइटन जाओ। कोबरा कोबरा। गुरुदेव आपने क्या किया, शिष्य तुम्हें नहीं पता अभी मैंने उसके साथ छल किया है, छल। क्या गुरुदेव आपने क्या किया, समय आने पे बता दूंगा। गुरुदेव की जय हो। मैं तुम्हारा जाना जरूरी है क्या माँ। बेटा बहुत जरूरी है, तेरे मामा को पता ही नहीं कि उनके बेटे मर चुके हैं। बेटा माँ मैं अकेला रह जाऊंगा घर पे, मैं मर जाऊँ ना। नहीं बेटा तू अकेला नहीं है, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। है पिताजी आप बहुत अच्छे हो। माँ लेकिन पिताजी अकेले भी तो जा सकते हैं ना। बेटा नहीं बेटा, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। बेटा सोच जब उनको पता लगेगा उनके दोनों बेटे निंजा मर चुके हैं तो क्या बीतेगी बेटा, हमें संभालने पड़ेंगे वो। हाँ माँ अब जाओ माँ, कोई बात नहीं माँ, जैसा आप चाहती हो करो, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ यहाँ पे। अरे नहीं नहीं बेटा हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, चलिए जी बहुत देर हो जाएगी नहीं तो।
पिताजी मेरे लिए चीज ले आना खाने को। चलो जल्दी। बेटा अपना ध्यान रखना तो ठीक है ना? ठीक है माँ, आप जाओ। अब तो मेरी मौज आ गई, अब तो मैं अकेला खेलूंगा दोस्तों के साथ। आज तो मैं मजे से खेलूंगा। आज मुझे कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, तब तक पिताजी लौट के आएंगे। मैं इतने घर से बाहर जाता हूँ मैं। आखिर बच्चा पकड़ा गया। अब सही है, अब अपना खेल शुरू करता हूँ। अरे कौन हो तुम, कौन हो? बेटा मुझे भूल गया तू, मैं तेरा पिता हूँ, नाम है टाइटन। पिताजी, मेरे पिताजी टाइटन, कैसे हो? ये तो काम कर रहा है बेटा, चलो मेरे साथ चलो। मेरे टाइटन पिताजी, चलो। मेरी माँ है कोई? माँ कहाँ है? नहीं बेटा, तेरी कोई माँ नहीं है। पिताजी आप बहुत अच्छे हो। पिताजी मुझे ये कोबरा नाम याद आ रहा है, कोबरा कौन है पिताजी? वो तो हमारा दुश्मन है बेटा, हमारा दुश्मन। पिताजी उसने क्या किया है हमारे साथ? बेटा उसने हमारा घर छीन लिया, हमको यहाँ से निकाल के भगा दिया। चलो बेटे चलो मेरे साथ। ये लो कोनाइट, आ गया तुम्हारे भाई का घर। अरे भैया कहाँ पे हो? सैनिको जाओ मेरे भैया को बुला के लाओ जरा। अरे अरे बुआ जी क्या बोल रही हो, हम तो आपके भतीजे हैं, अभी हम पिताजी को बुला के लाते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो मेरे भतीजे हो। लाओ जल्दी से मेरे भाई को बुला के लाओ तुम लोग। हाँ बुआ जी मैं जाता हूँ। आप बहुत दिनों में आई हैं बुआ जी, कहाँ थी और हमारे दोनों भाई कहाँ हैं? कुछ मत पूछो बेटा, जाओ बुला के लाओ तुम। हाँ बेटा जल्दी जाओ। हाँ पिताजी, पिताजी रानी कोनाइट आई है पिताजी। मैं कैसे बताऊंगी, समझ नहीं आ रहा। चुप रहो कोनाइट, मैं बताऊंगा। पिताजी जल्दी आ जाओ पिताजी। अरे बहना तुम आ गई। अरे भैया कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं? क्या हुआ बहना, लेकिन मेरे दो बेटे निंजा नहीं दिख रहे, उनको तुम साथ नहीं लाई? भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैं उनको बचा नहीं सकी। क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल रही हो? महाराज बहुत दुख की बात है, वो आपके दोनों बेटे टाइटन के साथ मिल चुके थे और टाइटन ने उनको धोखा दिया, उनको मार दिया। नहीं नहीं मेरे बेटो, तुमने ये क्या किया, क्या किया? चुप हो जाओ भाई, उन्हीं को कौन टाल सकता है। चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। हाँ अब तो संभालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई अब तो सब कुछ सही हो चुका है, टाइटन भी लूप में कैद हो चुका है वो। क्या बोल रही हो तुम? रानी कोनाइट सही बोल रही है, अब टाइटन यहाँ पे कभी नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अपने हाथों से उसको मैं मारता। भैया अपने आप को संभालो, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं आपको बताने आई। बहना रुको, कुछ खा पी के जाओ। नहीं भैया मेरे बुआ अकेला होगा घर पे, मुझे जाना होगा। ठीक है अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया जाती हूँ मैं। पिताजी हमारा भाई मारा गया क्या पिताजी? चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बेटा बुआ आज मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। कुछ नहीं है बेटा, बुआ कहाँ है? बेटा बुआ कहाँ है, बाहर है जल्दी से। अजी यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, हे भगवान कहाँ गया ये शरारती, कहाँ निकल गया? हे भगवान मेरा बेटा बुआ कहाँ गया? बुआ बुआ बेटा अजी देखो पूरा घर छान मारा यहाँ पे नहीं है। रानी कोनाइट क्या करें हम? आप ही करो कुछ, मेरा बेटा चाहिए मुझे वापस, मुझे मेरा बेटा चाहिए। चुप हो जाओ रानी, चुप हो जाओ, सब्र से काम लो। ऐसा भी तो हो सकता है ना वो स्काइलर के घर गया हो उनके बेटों से मिलने। लेकिन मुझे मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा। नहीं मुझे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वो कुछ खतरे में है। नहीं रानी तुम तो ज्यादा ही भावुक हो रही हो, चिंता मत करो वो आ जाएगा। नहीं आप देख के आओ, आप देख के आओ, जाओ जरा। तुम नहीं मानती तो ठीक है। नहीं रुको मैं भी चलूंगी। अरे रानी तुम तो पागल हो गई हो, चलो जल्दी से चलो। ये लो रानी कोनाइट, मुझे पता है बुआ यही होगा। चलो चल के देखते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा। चलो जल्दी से। बुआ बेटा कहाँ पे है? बुआ मेरे बेटा स्काइलर, तुमने मेरा बेटा देखा क्या? क्या वो तुम्हारे घर आया? स्काइलर कहाँ है? स्काइलर
अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हमें लगा बुया यहाँ पे आया है। इसका आंसर सही बताओ, क्या बुया यहाँ पे आया है? नहीं तो, यहाँ पे बुया? तुम क्या बोल रहे हो? क्या यहाँ पे बुया नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई बुया नहीं आया। आखिर हुआ क्या है? देखो, जो मुझे डर था वही हो गया। आखिर क्या हुआ कोनाइट रानी जी, हमको भी तो बताओ। बुया घर पे नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, तो कहीं टहलने चला गया होगा ना? नहीं, वो ऐसे कभी नहीं जाता। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है स्काइलर। हमें मिलके ढूंढना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि टाइटन तो अब आने से रहा, वो तो कैद हो चुका है ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है, आपको चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, वो मंकी किंग के यहाँ गया हो। तो हो सकता है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊँ अपने बच्चों को छोड़ के? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे रहूंगी तुम्हारे बच्चों के पास। तुम दोनों जाओ, कोबरा जल्दी जाओ स्काइलर के साथ मंकी किंग के यहाँ पे। ठीक है रानी को नाइट, हम अभी जाते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, भैया बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। कोबरा, तू है कि थोड़ा भी नहीं डांटता। हाँ, ये बिल्कुल नहीं डांटते उसे, वो इतना नटखट हो चुका है ना। तुम लोग ये बात छोड़ो और चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। ठीक है, जल्दी जाओ बेटे, तुम यही रहना, तुम मत खो जाना। ठीक है माँ जी, हम नहीं खो सकते माँ जी, क्योंकि आप हमारे साथ हो। देखो कोनाइट, मेरे बस यही सहारा है, इनके साथ रहना। ठीक है, तुम जाओ। चलो कोबरा, आखिर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आज सुबह से ही मौसम कुछ ठीक नहीं है, मैं तो तभी समझ गया था। आखिर कहना क्या चाहते हो स्काइलर? टाइटन। क्या